और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण इस वार्ड के पार्षद लोग जाएंगे। पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मनसा दिया है पुनन्तु विश्वा भूतान जात वेद है पुनी अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यश मरित पुंडरीकाक्षम से भैया भिंतर शुचि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सवाह स्वस्ति न है ओघ विश्व वेदा स्वस्ति न तारिक्षो वरिष्ठ नेमिः स्वस्ति नौ ृथिव्यांपयोकदीपयोधिवंतरिक्षेपयोदापयस्पते प्रतिशह सन्तुमजम विष्णोराटम विष्णो पृथिवी शांतिराप है शांतिरोकदय है शांति वनपदय है शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति संकल्पं कुर्याति ओम विष्णुं 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्या विष्णुराज्ञः पर्वतमाल पश्यन्तु मा पश्यतु लोके भावे भजन्ति इति सर्वकुसुम विचुम्बालिके नमामि यत् तस्नः सरस्वतीमगः सुभद्रकां कान्तिनिवासिनीं मगने स्वस्तम् जगदम्बरितं गुणं लेपयामि यत्तां समर्पयामि आंगन पहने विद्यम निवेदयामि आज मदियम च नम समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि कृत्वा तारकी ओम मनोजम भारत कुल वेगम जंतियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्म ओम संज्ञा देवताय नमः बृहस्पते द्वामोक देशो को राजा विद्वान अक्षमांतम च नमस्करोमि ओम यास्ति स्वयं सुखदिनां भवनेश भगवान चरणमय सन्निध स्थान है सर्वसत्ताः भूमेन्वा कर्म भूमेन्वा आधार सत्ये नमो नमः सर्वोपचारार्थ गंधादिभि संपूज्य है हाँ भाई साहब ओम मनोज्योति जुगतावाज बृहस्पति तक विमान तनो राम सा पीर की जय राम सा पीर की जय बोल गणेश जी महाराज की जय बोल राम सा पीर की जय दीन माता की जय बैरजे महाराज की जय सब देवता पर राम बार राम सा पीर की जय बहुत बड़ा काम है सपना साकार हुआ है बोल राम सा पीर की जय गुरु ने महाराज की जय इधर अरे वसीम लोग साहब लगे रहते हैं और सच बताऊं मैं पहले आज 2008 से पहले इस हॉस्पिटल की तरफ आते थे तो लगता ही नहीं था ये तो डर सा लगता था इधर एकदम अजीब सा माहौल लगता था और अब ये जो डाइक रोड की लागत से ये भवन बन जाएगा तो और सुंदरता बढ़ जाएगी और ज्यादा लोगों की सेवा होगी उन पेशेंट उन पशुओं की जो बेचारे लावारिश हैं
उनकी भी सेवाएं होती हैं। और जल्दी आपको एक खुशखबरी और देने वाला हूं कि यहां पे जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जा रहा हूं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके पूरा नवलगढ़ के अंदर 9 एम्बुलेंस है अपने पास आदमियों की। और अब अडाला की भी एम्बुलेंस बना रहे हैं ताकि ये बेजुबान है, इनके वोट भी नहीं लगते। बहुत से लोग कहते थे कि ये काम तो इसलिए करा रहे हैं साहब वोट लेना ही जनता का। अरे भाई, पशु तो बेजुबान है बेचारा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतना सोचा कि इनकी दवाइयां तक फ्री करी। जिस प्रकार से आदमियों का बीमा होता है वैसे पशुओं का, धन का भी बीमा कर दिया। उस किसान से पूछो जब उसकी एक भैंस अगर मर जाती है तो उस बेचारे पे क्या बीतती है। तो सरकार की तरफ से कोई सहारा मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। काफी बड़ा कुनबा है डॉक्टर राजेश यादव जी का। 50 पशु हॉस्पिटल हैं और अभी भी मोटरसाइकिल के ऊपर ही है गांव गांव के अंदर चिकित्सा सेवा करने के अंदर एकदम जी कह रहे हैं तीतरी आन रहे हैं, चलते चलते जोर से बात करें। ये एक्टिवनेस दर्शाती है कि उसके नीचे आपसे जो सीखते हैं लोग कि कैसे कर्तव्य निष्ठा से काम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आपकी लीडरशिप में पशुपालन विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। सरकार क्या कर रही है, आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने क्या क्या काम किए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे माता बहनों आप सबको पता है, एक बच्चे बच्चे को पता है, आप लोगों ने जो जो आदेश किए उन आदेश की मैंने पालना करी। इन 15 सालों में जो मेरे से बन सका खूब सेवा किए, गांव ढाणी शहर नवलगढ़ की गलियों के अंदर घुस नहीं सकते थे, आज 95% सारी की सारी गलियां अच्छी सड़कें बन गई। जहां माता बहने बड़ा मजा आता है जब निकलता हूं किसी मोहल्ले के अंदर तो मेरी माता बहन पीटो गालकर बैठे बेटी बेटी चाय पीती मिलने नहीं बैठे करते, आदमी के जानवर रहना पसंद कौन करता या स्थिति हुआ करती। अब आने वाले 2-3 महीना ही ब्याह मंडगो है, मेरी माता ब्याह मंडगो है। पहली तो क्या होता हो कि ब्याह मंड जाते हो जना घर खाने ज्यादा चिंता होती और बनड़ा सो लोग डरता कि वो बनड़ो कदे रूस नहीं जाए तो ब्याह बिगड़ जाए। वो आजकल उल्टो काम हुआ है, आजकल बापड़ों को जो बनड़ो है वो हाथ जोड़ तो फिरे सब पे की कोई नाराज नहीं हो जाए। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता मेरे पे बहुत आशीर्वाद रखती है, मेरे काम को सेवा को आशीर्वाद देती है हमेशा। ये 2-3 महीने चुनावों का समय आप लोग मुझे संभालना, ये मेरी प्रार्थना है। आप लोग हमेशा चुनाव में मुझे संभालते हो 2-3 महीने, 5 साल लगातार मैं काम करता हूं सेवा करता हूं, अब ये 2-3 महीने आप लोग मुझे संभालना। वादा करता हूं कि जो काम हुए हैं उन कामों को और आगे बढ़ाऊंगा और सुविधाएं लेके आऊंगा मेरे नवलगढ़ के लिए ताकि किसी को परेशान नहीं होना पड़े। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारे पास, आप सुबह जाके देखा अगर हॉस्पिटल में 2,000 से 2,500 की ओपीडी है, हजारों ऑपरेशन इस पशु हॉस्पिटल के अंदर कर चुके हैं। आप सोचिए डॉक्टर साहब ने जो भी अनाउंस किया है, जब ये सीटी स्कैन की एक्सरे की सोनोग्राफी जब मशीनें लग जाएंगी, आदमी की तो लगा रहा कि जान पर बता रहे हो तो बेबी कति दुआ देंगे सोचो थे। और एम्बुलेंस आने के बाद अभी कुछ दिनों पहले चित्रमल जी भाई साहब महाराज पधारे थे आपके यहाँ पे, बाबा जी टोंक वाले प्रकाश दास जी महाराज, तब उन्होंने मेरे से वादा लिया था कि नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार से वादा ले रहा हूं कि हमारी
निवाई की गौशाला को आप एम्बुलेंस भेंट करोगे, तो अपन ने वादा किया था पता है आपको, और वो वादा पूरा कर दिया। अपने एम्बुलेंस उनको व्यक्तिगत खुद के पैसों से बना के दे दी। उसका फायदा यह कि जैसे सड़क के ऊपर कोई गाय हो गया, भैंस या कोई भी जानवर टकरा गया, तो उसको उठाने में समय लगता है। वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि अपने आप ही क्रेन में उसको आप जमीन के साथ अटैच हो जाती है, उसको सरकार की उसमें रख दो और वो अंदर ले आती है। वो निवाई पहुंचा दी अपन ने एम्बुलेंस महाराज के यहाँ पे गौशाला के अंदर पहुंचा दी है। और यहाँ भी एम्बुलेंस मेरी लालचंद कटारिया से बात हुई है, एक रिक्वेस्ट लेटर आप भिजवा दीजिएगा विभो को, शिक्षा आप भी बात कर लेना। मैंने भी कह दिया है कि मेरे नवलगढ़ को एक पशुओं के लिए एम्बुलेंस दे दो, ताकि गांव में कोई पशु बीमार हो जाए तो अपन गाड़ी घोड़ा खुद नहीं करने आना नहीं पड़े, अपने एम्बुलेंस चले जाए लेके आ जाए ठीक करके वापस छोड़े हुए, ये व्यवस्था भी रहेगी। अब ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे, बस आपको ये कहना है कि मैं आपका और आप मेरे हो, आशीर्वाद रखना। 2-3 महीने में बहुत अफवाहें आएंगी जो हर चुनाव में आती हैं, अब भी आएंगी, लोग षड्यंत्र भी रचेंगे। काम में, सेवा के अंदर, मेरे व्यवहार में वो लोग मेरे से आगे नहीं निकल सकते। वो लोग षड्यंत्र रच के आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन वो जितने भी षड्यंत्र रचते हैं, जिस प्रकार से महाभारत में भी हमने प्रसंग देखा था कि शकुनी ने या कौरवों ने पांडवों के लिए एक षड्यंत्र रचा और लाक्षाग्रह का निर्माण कराया गया, और उस लाक्षाग्रह के अंदर पांडवों को भोजन का निमंत्रण दिया गया शकुनी के द्वारा, और जब पांडव चले गए वहां भोजन करने के लिए तो उनकी हत्या करने का इरादा था, लेकिन भगवान कृष्ण जिनके रक्षक हो उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता है, भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। वैसे ही पिछली बार लाक्षाग्रह मेरे लिए भी तैयार किया गया उन लोगों के द्वारा, और भगवान कृष्ण के रूप में बाबा राम सा पीर और 36 कौम की जनता ने आके डॉक्टर राजकुमार की राजनीतिक हत्या होने से बचाई, ये आप लोगों ने बचाई, तभी ये विकास के कार्य हो रहे हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो बेसरबू की तरह भी वैसे ही घूम रहे हैं, आपको मिल जाएंगे कहीं भी चौपाल में घूमते हुए। लेकिन नुकसान जयपुर को, अपने नवलगढ़ को बहुत हुआ। अगर ऐसे षड्यंत्र नहीं रचे जाते तो नवलगढ़ का विधायक पहली कैबिनेट के अंदर मंत्री होता, ये 5 साल हमारे खराब किए। ये तो भला हो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने कहा कि राजकुमार तेरे को मंत्री तो नहीं बना पाया, लेकिन नवलगढ़ के लिए जो तू मांगेगा जनता के लिए अशोक गहलोत सब देगा तेरे को। और गहलोत साहब से जो मांगा वो सब कुछ दिया। 800 किलोमीटर सड़कें, 50 करोड़ रुपए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। आज दिक्कत ये है कि वो 50 करोड़ रुपए हम लगाए कहां। रामेश्वर सैनी जी ने दान दी थी 10 बीघा जमीन, वो अब कम पड़ रही है। आज बड़े बड़े वार्ड बनने चाहिए थे, वहां पे ऑपरेशन थिएटर और बनाने थे मुझे, इसलिए मैंने गोयनका ट्रस्ट, जिसको बदराणा बदराणा नाम से आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को ये बदमाश बदनाम कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लो अगर आज वो बदराणा जोड़े की जमीन हमारे नगरपालिका को समर्पित हो जाती, 50 बीघा के अंदर ये हॉस्पिटल बनता जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए तो सेठ लगा रहे थे और 50 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवलगढ़ को दे दिए। 75 करोड़ के अंदर ऐसा अस्पताल बनता कि आज वहां जाते हैं अपन मोटरसाइकिल खड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। 35 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, उनकी बैठने के लिए जगह नहीं है। सीटी स्कैन की मशीन आई हुई है लगाऊं कहां। आज ब्लड बैंक भी बना रहा हूं तो पूरे पार्क, जो पार्क बनाया था उसको तोड़ के बनाना पड़ रहा है मुझे। 6 मंजिल की बिल्डिंग बनानी पड़ रही है पीछे पीछे का आवास तोड़ के। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो हंसते रहते हैं कि देखो हमने हॉस्पिटल नहीं बनने दिया, राजकुमार का काम नहीं होने दिया। लेकिन उनको नहीं पता
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए सूर्य को काले बादल आके ढक सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में उन काले बादलों को सूरज के हटना भी पड़ेगा और सूरज अपनी रोशनी वैसे देगा आम जनता। मेरा सपना था कि ये जो पुराना हॉस्पिटल है इसको जनाना हॉस्पिटल बना दो मेरे माता बहनों के लिए, और बच्चों का बन जाए अलग से, और वहां बदराना के अंदर एमसीएच विंग बन जाए, पॉलीट्रोमा बन जाए, ताकि हाईवे के ऊपर जो लोग एक्सटेंड हो जाए उनको सीकर जयपुर रेफर नहीं करना पड़े, उनका इलाज यहीं पे हो जाए। कितने घरों के चिराग बुझने से बच जाते। ईश्वर साक्षी है कि जिसके नियत में खोट हो वो घबराए। हमारी नियत बिल्कुल पाक साफ है। जैसा हमने पहले भी आपको कहा कि हम ये चीज करेंगे, हमने याद करो मेरी माता बहनों, चोखानी गैस वाला याद है ही नहीं आपको? रात को 2:30 बजे लाइन लगाता या नहीं लगाता था? अब आपको लाइन लगानी पड़ती है क्या? आपके बेटे भाई डॉक्टर राजकुमार ने वादा किया था कि मुझे आ जाने दो एक बार आपके जनप्रतिनिधि के रूप में, ये चोखानी गैस वाला ही नहीं, रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन को घूम चक्कर से चलकर घर की तरफ गांव की तरफ जाएगी कि तो मजा नहीं, कोई अंगुली उठा के देख ले। ये जनता का राज है, ये आपका राज है, ये जनता का राज है, आपका राज है। इससे कुछ लोगों को जलन है, लेकिन मैंने कहा ना, जिस प्रकार से पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण ने की, वैसे ही आप जब भी मुझ पर संकट आता है आप लोग मेरी रक्षा करते हो। और ये बाबा राम साहब पीर की धरती के ऊपर मैं आप लोगों पे पहले बात तो संकट कोई आने नहीं देता, 24 घंटे सेवा में लगा रहता हूं। एक बार एक ऐसी महाबीमारी आई कोविड, उस समय भी आपका बेटा भाई डॉक्टर राजकुमार घर में छुपा नहीं, हमने यहां पे पंचायत समिति के अंदर हमने ऑफिस खोला और गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर गाड़ी से माइक से प्रशासन को साथ लेके, कार्यकर्ताओं को साथ लेके, और सबको कहा कि चिंता मत करो आप, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि 3 महीने तक आप अंदर ही बंद रहो। हमें उन परिवारों की चिंता थी जो सुबह से हम कमाते हैं तब घर में शाम को चूल्हा जलता है। उन परिवारों के अंदर जहां से भी आवाज आई राशन पहुंचाया कोरोना काल के अंदर, जिसने भी फोन किया जान हथेली पे लेके हमारे कार्यकर्ता और वहां पे पहुंचे। अब आएंगे 2-3 महीने, लोकतंत्र के अंदर आने भी चाहिए। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, जिस तरह की अमर्यादित भाषाएं टिप्पणियां वो लोग कर रहे हैं, जवाब दिया भी जा सकता। आप सब लोग जानते हो जीवन में बहुत जवाब दिए ऐसे लोगों को, लेकिन जिम्मेदारी के पद पे हैं। वो लोग बोलेंगे तो उनको लोग नहीं मानेंगे, ऐसे ही बोलते रहते इनसे क्या फर्क पड़ता है, राजकुमार क्यों चिंता करता है, लेकिन हम कुछ बोल देंगे उसकी चर्चाएं हो जाएंगी कि नहीं आपसे उम्मीद नहीं थी। और सच बताऊं आपको कि आम जनता बहुत ज्यादा उम्मीद मुझसे करती है। आज सुबह प्रशांत गांव से आ रहा था, यहां पे एक मोड़ के ऊपर गाड़ी रोक ली मेरी, बोले राजकुमार बहुत माटी उड़ रही है रोड के ऊपर, आप जल्दी से बनवा दे। मैंने कहा साहब एक दो महीना तो लागी से, अब काम चालू है तो। बोले यार एक दो महीना लाग सी, मतलब वो इतनी उम्मीद रखे हुए थे कि रातों रात वो सड़क बन जाए। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं ठेकेदार को बोलूंगा कि 2 महीने की जगह 1.5 महीने में बना दे भाई। बोले फिर वो संतुष्ट हो गए, बोले बस 1.5 महीने बन जाएगी, तब तक तो परेशानी भोग लेंगे। बड़ी उम्मीदें हैं, सबको लगता है कि भाई राजकुमार आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। पूरी जी जान लगाता हूं कि मेरे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाए, मेरे यहां से कोई निराश नहीं जाए। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं आप लोग सब समझते हो, आज से 20 साल 30 साल पहले जो कुछ कर दिया किसी ने, कुछ कर दिया कोई पूछने वाला नहीं था। आज तो स्थिति यह है कि अगर पता चल जाए कि चाचा के लड़के का फौज में सिलेक्शन हो गया है तो ताऊ का लड़का ये कोशिश करता है कि इस पे कैसे मुकदमा लगा दूं ताकि ये भी मेरे जैसे ही फिरने लग जाए।
ये वास्तविकता है। ये नहीं करता कि ये लग जाएगा तो कम से कम अपने परिवार में एक लड़का फौजी हो जाएगा, वो इस कोशिश में लगेगा कि कोई न कोई मामला इसके लगा दो ताकि ये नौकरी से चला जाए। किसी को पता चला विदेश के अंदर विदेश में नौकरी लग गई है, पासपोर्ट आने वाला है, उससे पहले थाने के अंदर कोई न कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा के बेचारे का उसका जीवन खराब कर देते हैं। ये जमाना बड़ा अजीब सा आ गया है। मेरे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खूब सेवा आपकी की है, मैं थारा हूं थे मेरा हो, फिर एक बार कान खोल के सुन लो मेरे हाथ जोड़ के विनती की थे मारा और मैं थारो हूं। अगला दो तीन महीना थारा भाई थारा बेटा राजकुमार ने संभालियो, हौसलो बढ़ाए रखियो मेरो, कामा की कमी पहले भी कौन छोड़ी है आगे भी कौन छोड़ूंगा। एक बार पुनः डॉक्टर राजेश यादव जी आपको, डॉक्टर रामेश्वर जी यादव आपको और आपके पूरे समस्त पशुपालन विभाग के चिकित्सक उप चिकित्सक कर्मचारीगण सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जनता की सेवा करते रहो, पशुओं की सेवा करते रहो ताकि लोग आपको इतिहास में याद रख सके और आप जितनी सेवा करोगे उसका फल मुझे भी मिलेगा, उसका फल मुझे भी मिलेगा। लोग ये कहेंगे कि नहीं ये अच्छा अधिकारी ये अच्छा डॉक्टर आपने लगा रखा है तो हमारे फोन करते आ जाता है। आप लोग स्नेह बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।